हेलो, तो मैं आज हुआ एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड कैसे हो आप लोग भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हमने जंप कर दी थी जॉर्ज पुल। एंड जॉर्ज पुल के अंदर तुम्हारा भाई जो क्लच दिखाने वाला है ना, तो पक्का बोल रहा हूँ आप ना वीडियो को लाइक करोगे ही करोगे। एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी चैनल पर नया है। एंड गाइस, आप लोगों को एक बात बता दूँ, वीडियो पूरी वॉच करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने जंप की, मेरे हाथ लगी SLR, तो आप लोग सोच रहे होगे कि क्या क्लच देखने को मिलेगा। बट यार, तुम्हारा भाई ना आज एक ऐसा गजब का क्लच दिखाएगा, वो भी SLR से 1v4। तो वीडियो पूरी देखना एंड इंतजार करो उस क्लच का। एक दो तीन, भाई तीन बंदे में डाउन कर चुका था। एंड मेरा उसके अंदर ये तीन ही थे। एंड इनका जो एक बचा हुआ बंदा था वो बाहर था। एंड जैसे ही वो आया, उसने पहले तो मेरे टीममेट को नोक दिया। हाँ, तो ये 1v4 क्लच मेरा हो चुका था। तो जिस चीज ने लाइक करने का वादा किया था वो लाइक करो। एंड देखो, मैंने आप लोगों से बोला था कि आज की ये वाले गेम प्ले में ना क्लच ही क्लच देखने को मिलेंगे। एंड भाई, जिसके भी दिल में अभी खोट है ना कि भाई मैं लाइक नहीं करता, तो अब मैं बोलता हूँ अब पक्का करोगे। अब एक क्लच तो आप लोगों को देखने को मिल गया था, एंड एक रिफ्लेक्स वाला क्लच जो बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। अब फिलहाल एक बंदा मेरे को दिखा दूर से, इसको तो मैंने फिनिश किया, ये तो मेरा फ्री का किल था। अब भाई, वेयर हाउस के साइड अभी काफ़ी बंदे थे। तो फिलहाल यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों क्लच अच्छे लगे हैं। एंड स्टार्टिंग की फाइट में मेरे 8 किल हो चुके थे। अब फिलहाल यहाँ बारी थी जो भी फ्री किल मेरे को मिलने वाले हैं उनको एक एक करके भरूँ। एंड आप लोगों से विनती है कि वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कि दोनों क्लच आप लोगों को कैसे लगे, ये वाला 1v3 एंड पिछला वाला 1v4। एंड एक फ्री का किल हो चुका था, कुल मिलाकर 8 किल मेरे थे। एंड अभी एक दो और मेरे को फ्री का किल यहाँ पर मिलने वाला है, एंड उसी के साथ हमारे खाते में बढ़ोतरी। एंड अब मेरे कुल मिलाकर 9 किल थे, अब एक फ्री का किल और 10 किल। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बंदे खत्म हो चुके थे, अभी बंदे यहाँ पर छुपे हुए थे। एंड उन छुपे हुए बंदों को निकाल निकाल के मारने की गारंटी मेरी थी। अब फिलहाल आप वीडियो को लाइक करो एंड उस बंदे को मैं भरता हूँ। अब टावर के ऊपर जैसे ही मेरे को बंदा दिखा, Watch out.
अब यार ओनली जॉर्ज पुल में मेरे 11 किल हो चुके थे, तो समझ सकते हो आज किलो की ना लाइन लगने वाली है। अब फिलहाल हम लोग यहाँ से निकले एंड व्हीकल लेने के लिए जैसे अब स्कॉट हाउस की तरफ पहुंचे तो वहां पता चलता है कि यहाँ पर बंदे घास में लेटे हुए हैं एंड इंतजार कर रहे थे उन बंदों का जो यहाँ पर आए। एंड जैसे ही पहला बंदा मुझे दिखा, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मैंने इस बंदे को भरा एंड हम लोग यहाँ से निकले। एंड भाई जैसे ही वाटर सिटी को पार किया ना, तो एक नशे में बंदा, मतलब नशे में ही समझो, वो बंदा शायद नहाने जा रहा था। अब फिलहाल हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो वो बंदा मेरे को दिखा एंड बग्घी ना स्लो स्लो चला रहा था एंड उसने सीधी बग्घी ले जाकर पानी में घुस दी। अब मेरे को नहीं पता वो करने क्या वाला था, पर फिलहाल देखो अब इस बंदे को मैंने डाउन किया एंड ये बंदा पानी के अंदर चला गया था। तो मैंने इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ से निकले एंड निकलने के बाद अब भाई जैसे ही जा रहे थे तो सेल्टर की तरफ, मतलब थोड़ा पहुंचे ही थे, बंदों को ढूंढते ढूंढते हैं पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। अब भाई ये बेचारा एक अकेला बंदा था एंड मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई पहले ये मुझे पेटी लूटनी है, तब जाके मैं अगले वाले बंदे मारूंगा, क्योंकि मेरे पास ना गोलियां इतनी थी कि इस बंदे को मैंने एक एक गोली गिन गिन कर मारी थी एंड गन वहीं रोक देता था जहां, मतलब एकदम गोली लगनी बंद। तो फिलहाल इसी चक्कर में ये बंदा मुझे को डैमेज भी, मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद किया। अब फिलहाल इसके बैग से अच्छी खासी लूट वूट मिल चुकी थी। ये डिब्बा लूटने के बाद हम लोग सीधा घुसे बंदों के अंदर एंड वो फाइट जहां पर मेरा टीममेट इतना कन्फ्यूज़ हो गया था व्हीकल चलाता हुआ कि भाई एकदम मरवाने वाली स्थिति करती थी। अब लो भाई साहब, कुल मिलाकर इन बंदों को लूटने के बाद लूट की तो कोई कमी नहीं रही थी एंड अभी तक बंदे मतलब ओनली 5 अलाइव थे। अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अगर मैं 3-4 किल मार दूंगा तो 20 प्लस मेरे किल हो जाएंगे एंड 2 बंदे हम हैं और 2 बंदे बचे हैं, 3 बंदे बचे हैं। अब भाई इतने में पता चलता है कि उन बंदों में तो फाइट चल गई एंड कुल एक बंदा यहाँ पर बचा हुआ था एंड उस बंदे को ढूंढते ढूंढते हम फिर से उसी जगह पहुँच गए शेल्टर में जहाँ पर वो बंदा छुपा हुआ था। एंड वो बंदा नॉर्मली मतलब ऐसे ही बाहर वाहर नहीं बैठा था, वो शेल्टर के अंदर घुस के बैठा था, वो भी गेट पर। अब भाई उस बंदे ने कितनी देर हम लोगों को कमाल दिखाया, कभी हम पास जाते तो वो अंदर चला जाता, कभी बाहर आ जाता एंड मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि भाई ऐसी गलत जगह पिट सकता था मैं। अब एक टाइम पर तो मन किया कि इस बंदे को ट्रोल किया जाए क्योंकि भाई ये अकेला बचा हुआ था एंड हम लोग 2 थे। अब इस बंदे को मैं ट्रोल करने की सोच रहा था, तभी जैसे ही मैंने इसको अपने BRDM को उठाया तो वो बंदा फिर से बाहर आया एंड वो अंदर बाहर खेल रहा था। अब मैं जैसे ही BRDM रोका तो अंदर चला गया। अब भाई ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा सीन। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मैं पिट सकता हूँ एंड नेड मेरे वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, तो यहाँ पर ना सीन एकदम मज़ेदार होने वाला था। तो मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि मैं जैसे ही इसके गेट पर खड़ा हूँगा ना तो तुम अपनी गाड़ी लेकर ना निकल जाना ताकि इसके बंदे का ना माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाए एंड ये बाहर आ जाए। एंड सेम हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही मैं गेट पर खड़ा हुआ एंड मेरा बंदा जैसे ही गाड़ी लेकर चला, अब प्लान के मुताबिक ये काम एकदम राइट हो गया। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं चाहता तो इस बंदे को ट्रोल कर सकता था, अंदर अच्छे खासे स्मोक बनाकर सीधा घुस जाते
एंड इसको पेन वैन से भी भर सकते थे। बट यार इतना रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी अभी 18 किल थे एंड इसको मारने के बाद 19 किल हुए। एंड आज की ये वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि आज की वॉइस ओवर में ना थोड़ा एकदम कड़कपन नहीं है क्योंकि भाई मेरे को कोल्ड हो रखा है एंड उसमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, एकदम माइंड ना एकदम भरा पड़ा है, पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है सीन। अब फिलहाल इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कोल्ड के मतलब तबीयत खराब है फिर भी, तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक तो कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।